आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के कार्यकाल की नाकामियों पर प्रकाश डाला। वहीं ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विकास कार्यों की नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच न जाकर विधायक ने धरना प्रदर्शन को अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में शामिल कर धरना मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि विधायक ईमानदारी से अपने द्वारा चुनाव से पूर्व की गई घोषणा को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। अपनी नाकामिया पर पर्दा डालने के लिए बार बार सरकार पर आरोप लगाना उनको शोभा नहीं देता। विधायक अपनी कार्यशैली बदल कर जनता की समस्याओं का निराकरण करे। जनता छोटी छोटी समस्याएं के लिए इधर उधर भटक रही और विधायक जुमलेबाजी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज वाधवा, जिला महामंत्री सतीश गोयल, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी, बीजेपी नेता नवीन दोरा, चकरपुर मंडल अध्यक्ष विक्रम भट्ट, किशोर जोशी, भवानी भंडारी, करण यादव उपस्थित थे। कई ऐसे आरोप लगाए हैं और अपने को चमकाने के लिए और जनता में दिखाने के लिए कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। और जनता उनसे पूछती है, पिछले इलेक्शन में मैं भी उनके साथ था। जब क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने विधायक बनाया, उनको वोट दिलवाई, वो आज कहां गायब है। उसी को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और विधायक जी से पूछना चाह रहे हैं कि आपने क्षेत्र में क्या काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा, जब वो अपने शुरू में विधायक बने, सर्वप्रथम उन्होंने बाईपास की डिमांड विधानसभा में क्वेश्चन लगाया और आज वो बाईपास बना हुआ और चल रहा है। काम नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि आज जिस स्थिति में हमारे माननीय विधायक जी चल रहे हैं तो कल को इनका तो नाम मैं समझता हूँ कि माननीय भुवन कापड़ी से हटा करके धरना। देखिए, पिछले दिनों यहाँ के जो विधायक श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे कि जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश देख रहे हैं, हमारे खटीमा के लिए कुछ विकास कार्य नहीं हो रहे, उन्हीं विषयों को आज आपके बीच में रखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्षेत्र में कितने विकास के कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वो खुद यहाँ के विधायक थे तो अनेकों ऐसे उन्होंने काम किए जो जनता के बीच में आज भी बराबर वो काम चल रहे हैं। जैसे बाईपास का निर्माण कराया, नागरिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, आईटीआई कॉलेज लेके आए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेके आए, जनजाति स्कूल के लिए एकलव्य स्कूल बनाया, आश्रमपति का सौंदर्यकरण कराया, तो ऐसे अनेक कामों के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किए हैं। तो उन्हीं कामों को छुपाने के लिए और अपने को चमकाने के लिए भुवन चंद्र कापड़ी जी हमेशा जनता में तो जाते नहीं है, धरना प्रदर्शन का काम करते हुए अपने आप को दिखाना चाहते हैं और कामों से बचना चाहते हैं। उनको ही देखते हुए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार जनता में एक संदेश है पूरे भाजपा की तरफ से, और जनता भी जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के रहते हुए, या अगर जिम्मेदारी की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी बनती है। खटीमा के लिए जिम्मेदारी जनता ने विधायक भुवन कापड़ी जी को दी थी, जो अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेरा ये कहना है कि माननीय विधायक जी अभी तक लगभग 6 माह पूरे होने वाले हैं माननीय विधायक जी को विधायक निधि मिले हुए, और उनके द्वारा अभी तक 11,50,000 रुपए की ही धनराशि खर्च की गई है विकास कार्यों के लिए। तो मैं यही प्रश्न उनसे करना चाहता हूं कि वो विकास के कामों पे, इससे ऐसा प्रतीत होता कि उनको विकास के प्रति कोई सजगता नहीं है, वो खाली आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति करते आए, और धरना प्रदर्शन करने से जनता का भला नहीं होता। वो अपने जो निधि 5 करोड़ है उसको लगातार सही समय पर उसका सही सदुपयोग कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब बाढ़ खटीमा में 6 और 7 जुलाई को यहाँ आई आपदा आई, उसमें तुरंत खटीमा पहुंच करके और जो अधिकारी वर्ग है उसको निर्देशित किया गया कि तत्काल लोगों के घरों तक सहायता पहुंचाई जाए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 24,000 लोगों को खटीमा में अहेतुक राशि 5,000 जो थी वो पहुंचाई गई है। जो इस आपदा में मृतक हो गए थे उनके घरों पे 4-4 लाख रुपए की धनराशि पहुंचा दी गई है, और कुछ जो जिनके मुर्गी फार्म, जिनके अन्य पशुओं की हानि हुई थी उनको भी जो संभव सहायता थी वो पहुंचा दी गई है, और जो कुछ लोग बच गए हैं उनके लिए वो सर्वे काम चल रहा है, और व्यापारियों के लिए भी एक नीति बनाई जा रही है कि जिससे कि उनको भी जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई की जाए, किसानों के लिए भी उनके जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करने के लिए भी लगातार सर्वे टीमें काम कर रही हैं, विभिन्न विभागों की टीम काम कर रही है, और वो सारी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बाद उनको भी
ये जो सहायता राशि वो भी पहुंचाई जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस खटीमा के विकास के प्रति आपकी जो सोच है उनकी उस पे मैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हमारे माननीय विधायक जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक खटीमा के लिए कौन सा बड़ा विकास का काम किया है जिसको कि हम उनकी उपलब्धि माने, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधायक रहते हुए आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक ITI केंद्रीय विद्यालय हो गए और क्या कहते हैं अपना एकलव्य विद्यालय हो गया, बाईपास हो गया, ऐसे तमाम सड़कों का जाल हो गया इस पूरे खटीमा में। उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से खटीमा के चारों तरफ विकास की जो बयार बहाई है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कंपेरिजन करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत करें माननीय विधायक जी, ना कि आरोप प्रत्यारोप धरना प्रदर्शन की राजनीति करें।